हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। किसान मित्रों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मिर्च की टॉप 5 हाइब्रिड उन्नतशील किस्में, जिनका उपज और उत्पादन अन्य वैरायटी की तुलना पर काफ़ी अच्छा है। तो जो टॉप 5 हाइब्रिड किस्में हैं, उनका जो उत्पादन है कितना होता है, कौन से सीजन पर हम लगा सकते हैं, कितने दिनों तक चलती हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग, कितना तीखापन है, कौन से कलर की जो फलों का साइज़ कितना होता है, और कीमतें के बारे में भी हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं VNR की उन्नति, जो कि 6013 के नाम से भी जानी जाती है। F1 है, हाइब्रिड है, तो VNR 6013 यानी उन्नति जो वैरायटी है, इसके फल की जो लंबाई होती है 9 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक फलों की लंबाई होती है, और इसे जैसे ही आप प्लांटेशन करते हैं तो 50 से 60 दिनों के आसपास, कंपनी तो थोड़ी सी अर्ली बोलती है कि 40-45 दिन, और लेकिन जो रियलिटी कहती है कि 60 से लगभग 62 दिन, यानी 50 से लेकर 60 दिनों के आसपास फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। तीखापन की बात करें तो जो तीखापन है अत्यधिक है, और यह जो वैरायटी है 7 महीने से 9 महीने तक बड़े आराम से चल जाती है। यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती करते हैं तो 7 से 9 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ है। इसके फल ग्रीन चमकदार होते हैं, और इसका जो सीजन है उन्नति को आप रबी सीजन पर, खरीफ सीजन पर, बरसात पर भी लगा सकते हैं। जून महीने पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जुलाई मिड पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इस वैरायटी का उत्पादन 25 से 30 मेट्रिक टन तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। एवरेज 24 से 25 मेट्रिक टन आप उत्पादन एक एकड़ से निकाल सकते हैं। और VNR की उन्नति जो वैरायटी है, 10 ग्राम की कीमत 450 रुपये, और हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि कीमतों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं। यदि वीडियो आप कुछ टाइम पहले देखेंगे, कुछ टाइम बाद देखेंगे, तो कीमतें आपको कम ज़्यादा भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो कीमतें स्टेट वाइज राज्यों के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। वहाँ की इस वैरायटी पर रोग बीमारियों की बात करें तो इस वैरायटी पर भी, उन्नति पर भी हल्के फुल्के रोग बीमारी वायरस आते हैं। यदि आप सकिंग पेस्ट रस चूसक की प्रॉपर छिड़काव लेते हैं तो इस वैरायटी 6013 से भी काफ़ी आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, अच्छी यील्ड निकाल सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47। यह वैरायटी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और न केवल अच्छी वैरायटी है, काफ़ी किसान भाइयों की पसंदीदा वैरायटी भी है AK47, क्योंकि हम खुद इस वैरायटी को काफ़ी सालों से लगाते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी यील्ड प्राप्त होती है। F1 है, हाइब्रिड है, इसके फलों का साइज ग्रीन डार्क होता है, और इसके फल का रंग जो ग्रीन डार्क होता है अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, जिसमें कि बाज़ार में बिकने में काफ़ी ईजिली होती, आसानी से बिक जाती है, थोड़ा सा महंगी भी बिकती है। और लेंथ की बात करें, फ्रूट लेंथ, तो 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबाई हो सकती है। मोटाई की बात करें तो 1.3 सेंटीमीटर मोटाई होती है फल की। तीखापन भी उच्च होता है। LCV रेजिस्टेंस वैरायटी है, लीफ कर्ल वायरस के प्रति सहनशील वैरायटी है। और सेल्फ लाइफ की बात करें, जीवन चक्र की बात करें, तो 8 से 9 महीने यह वैरायटी चलती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 7 से 65 दिनों में एकदम तैयार हो जाती है पहली तुड़ाई के लिए। सीजन वही है, रबी सीजन और खरीफ सीजन, जून जुलाई पर लगा सकते हैं, दिसंबर जनवरी पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कीमत की बात करें तो 10 ग्राम की कीमत 300 से 400 रुपये के मध्य, 10 ग्राम की कीमत देखने के लिए मिलती है। उपज भी 25 से लेकर 27 टन एक एकड़ से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की AK47 काफ़ी हम आपके साथ अनुभव जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो यह वैरायटी भी अच्छी है, इस पर भी हल्के फुल्की बीमारी रोग आते हैं। यदि प्रॉपर आप स्प्रे लेते हैं मिर्च की क्रॉप पर, तो आप इजीली तरीके से उपज को बढ़ा सकते हैं, और 8 से 9 महीने क्रॉप चलेगी, तो एक हमको अच्छा रेट, अच्छा बाजार भाव देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 3 VNR की ही सुनिधि हाइब्रिड वैरायटी। तो VNR की जो सुनिधि है,
यह काफ़ी अनुभवी जानकारी हम इसकी भी शेयर करेंगे, काफ़ी किसानों की पसंदीदा है, हम काफ़ी सालों से लगाते आ रहे हैं। इसके फल का रंग ग्रीन चमकदार होता है, फल की लंबाई वही 9 से 10 सेंटीमीटर, मोटाई 1 सेंटीमीटर, तीखापन भी काफ़ी अत्यधिक। सीजन की बात करें तो मई जून जुलाई और अक्टूबर दिसंबर जनवरी महीने पर रबी खरीफ सीजन पर आप लगा सकते हैं। पहली हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिनों पर। सेल्फ लाइफ की बात करें तो 8 से 9 महीने यह फसल चलती है। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 10 ग्राम की जो कीमत है 400 से 500 रुपये। उत्पादन की बात करें तो 30 से 32 मेट्रिक टन एक एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। तो जो VNR की सुनिधि वैरायटी है, इस पर भी हल्की फुल्की बीमारी आती हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर एस टाइम प्रेड है, YR303 है ना, और इमीडा क्लोर प्रेड है, नीम ऑयल का प्रॉपर यदि आप स्प्रे लेते रहते हैं तो ना कोई बीमारी आएगी, ना कोई रोग आएगा, ना कोई वायरस आएगा, और प्रॉपर आप अपनी फसल को यदि फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं जिससे रस चूसा कीट चिपक जाते हैं, तो ऐसी कुछ सावधानी यदि आप रखते हैं, प्रॉपर सिंचाई करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, यदि पत्ते मुड़ रहे हैं तो कॉपर का आप स्प्रे ले सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी जानकारी रहती हैं, यदि मिर्च की खेती किस प्रकार की जाती है तो इसकी वीडियो हमने पहले से A to Z वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं एंड स्क्रीन पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो VNR की सुनिधि हाइब्रिड वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नंबर 4 राशि सीड्स की जो हाईब्रिड 078 वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। रोग प्रतिरोधकता की बात करें तो लीफ कर्ल वायरस के खिलाफ यह रेजिस्टेंस वैरायटी है, लेकिन हल्का फुल्का कहीं कहीं पर बीमारी देखने के लिए मिल जाती हैं। एवं बुआई का समय रबी सीजन, खरीफ सीजन और जायद के सीजन पर लगा सकते हैं। यदि आप बरसाती मिर्च को लगा रहे हैं 078 को, तो आप जुलाई पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं और नर्सरी तैयार होने पर 25 से 28 दिन लग जाते हैं। एवं बात कर लेते हैं वेट से वेट की दूरी कितनी रखनी है। वेट से वेट की दूरी 3 फीट, पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 फीट रख सकते हैं। फलों का जो वजन होता है 4 से 5 ग्राम, और रंगों की बात करें तो हल्का हरा रंग होता है। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिनों पर, फर्स्ट हार्वेस्टिंग, और फलों की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर तक होती है। व्यास की बात करें तो 1 सेंटीमीटर तक मोटाई हो सकती है। कीमतें देखिए, कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। कीमतों की बात करें तो 10 ग्राम की कीमत 450 से 500। तीखापन की बात करें तो अत्यधिक होता है, और हाईवेज 078 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। महिको की तेजा 4 हाइब्रिड वैरायटी, इसके फल का रंग ग्रीन डार्क कलर का होता है, फल की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर तक होती है, मोटाई 0.9 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक फल की मोटाई हो सकती है। तीखापन अत्यधिक होता है, जीवन चक्र 8 से 9 महीने चलती है, हार्वेस्टिंग 55 से 60 दिनों पर फर्स्ट तुड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। और बात करें 10 ग्राम सीड्स की कीमत तो 360 से 400 रुपये, और इसका अनुकूल जो समय है मई जून जुलाई और दिसंबर जनवरी पर आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। महिको की तेजा 4 की जो उत्पादन है 28 से 29 टन प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान दोस्तों, इन वैरायटी को आप हल्की भूमि पर, भारी भूमि पर, काली दोमट, पीली मिट्टी पर, ये मान लीजिए कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए, बरसात के दिनों पर खेत पर पानी भरना नहीं चाहिए, इसे आप मल्चिंग ड्रिप पर इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा कमा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो पर हमने हाइब्रिड मिर्च की टॉप 5 उन्नतशील किस्मों का जिक्र किया, जो कि 5 की 5 काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। आप कितने सालों से मिर्च की खेती करते आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मिर्च की सफल खेती किस प्रकार की जाती है इसकी जानकारी के लिए आप A to Z वीडियो को ज़रूर वॉच करें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।